हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, आप लोग पूछ रहे थे कि SB28 और SB26 क्या होता है और उसका क्या काम होता है, पीआर बुक का क्या काम होता है, प्रिलिमिनरी रिसिप्ट होता है उसका नाम, SB26 एंड 28। ठीक है, तो हमारे पास SB26 एंड SB28 है और उसका यूजेस क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरे पास ये है SB26, हमारे पास ये SB26 है और ये है SB28। ठीक है, इसको बोलते हैं SB28 और ये है SB26। इसका इस्तेमाल होता है जब कभी आप अकाउंट खोलते हैं तो ये तीन में रहता है, तीन कॉपी रहता है, जैसे एक है, दो है और तीन है। ये आपका पहला है ओरिजिनल, दूसरा है डुप्लीकेट और तीसरा है ऑफिस कॉपी। ठीक है, ये जो है डुप्लीकेट आ जाता है सब ऑफिस में जब अकाउंट आप ओपन करते हैं। ऑफिस कॉपी आप रिसिप्ट काट के पब्लिक को भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ऑफिस में रहेगा। फिर इसका दो चलेगा, इस तरह से दो कार्बन लगाना पड़ता है, जैसे मान लो एक यहाँ पे कार्बन लगाएंगे, एक यहाँ पे कार्बन लगाएंगे और ओरिजिनल वाला में यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो राम नाम है तो राम यहाँ पे लिखेंगे, कितना रुपया दिया वो लिखेंगे, जैसे 10,000 रुपया तो 10,000 लिखेंगे, 10,000, इस तरह से सेंटेंस और डिजिट दोनों में लिखेंगे। ये तो आपका हो गया SB RD TD SSA, जिस तरह का अकाउंट खोलेंगे इसी में कटता है। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं पीआर बुक प्रीलिमिनरी रिसिप्ट 26, PR 26। ठीक है, और इसका जो पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन जो होता है, 3 साल तक आप इसको प्रिजर्व करके रखेंगे और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन भी में भी आता है। और यहाँ पे देखिए SB26 ट्रिप्लीकेट है। ठीक है, तीन में रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर यूज इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ये ओनली ब्रांच पोस्ट ऑफिस में यूजेज होता है, जो भी अकाउंट ओपनिंग सब होता है ये इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये SB28 है। SB28 कहाँ यूजेज होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है SB28 डुप्लीकेट। ठीक है, और इसका पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन है 3 इयर्स। ठीक है, पीरियड ऑफ द फॉर्म 3 इयर्स, 3 साल तक इसको प्रिजर्व करेंगे। जब आप MTS पोस्टमैन ये सब का एग्जाम देंगे तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही थोड़ा पुराने टाइप का है, आने बहुत पहले से ही ये रखा हुआ होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक ये है, एक मान लो इसका PR एक है और इसका डुप्लीकेट ये है। जब कभी किसी का मान लो पासबुक खो गया है तो पासबुक इशू कराना है, या फिर मान लो चोरी हो गया है कुछ, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। जब पासबुक चोरी हो गया, खो मिल नहीं रहा है, पुलिस केस हो रहा है, तो उसको ये जो रिकॉर्ड है इसमें लिखा जाता है। ठीक है, और उसको एक रिसिप्ट उनको दे देंगे, डुप्लीकेट वाला रिसिप्ट उनको दे देंगे और ये वाला जो ओरिजिनल वाला है वो आपके ऑफिस में रहेगा। जब आपको वो पासबुक उसको दे देंगे, हैंड ओवर करेंगे, जब वो मान लो रिवाइवल करने दिया है तो रिवाइवल करके जब हैंड ओवर करेंगे पब्लिक को पासबुक, तो वो ये वाला ये डुप्लीकेट वाला लेके आएगा रिसिप्ट। ठीक है, फिर उसको यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही पुराना फॉर्म है, दैट्स व्हाई ये जल्दी फट जाता है। आप इसको अच्छे से पिन लगा देंगे तो बेटर होगा। अभी जस्ट लिए हैं SPM सर से। ठीक है, हमारे SPM सर से जस्ट लिए हैं, बट ये अभी फट गया है। तो ये बहुत ही पुराना है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको याद रखना है कि SB28 डुप्लीकेट में रहता है और SB26 आपका ट्रिप्लीकेट में रहता है, और दोनों का प्रिजर्वेशन पीरियड होता है 3 साल, 3 इयर्स तक आप इसको प्रिजर्व करके रखना ही पड़ेगा। जब कभी इंस्पेक्शन होगा तो ये सब चीज आपको चेकिंग होता है। ठीक है, तो इसको आप सीरियसली लेना है, हल्के में नहीं लेना है। अगर ये भी ये रिसिप्ट ये PR बुक अगर नहीं दे पाएंगे ड्यूरिंग इंस्पेक्शन तो फिर आपके एक्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक एक्शन हो सकता है, इसीलिए ये PR बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि पता चल सके कि आप पब्लिक से कितना रुपया लिए हैं, कितना रुपया का अकाउंट खुला है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SB26 यानी अकाउंट ओपनिंग सब होता है, और SB28 जब भी कोई पुलिस केस होता है या रिवाइवल करने भेजते हैं कुछ भी, या चोरी हो गया है पासबुक, तो ये रिकॉर्ड आपके ऑफिस में होना चाहिए, तो उस वहाँ पे इस्तेमाल होता है SB28, और दोनों का प्रिजर्वेशन पीरियड है 3 इयर्स। ठीक है, आई होप सो आप सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है SB26 और SB28। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल टुडे, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।